Hello class, our today's topic is drawing of zebra. So today I will explain you how you can draw zebra easily. आप किस तरह से draw कर सकते हो. So let's start, शुरू करते हैं. कीप योर बुक इन स्टैंडिंग पोजिशन. स्टैंडिंग पोजिशन में आपको अपना बुक रखना है. यहाँ पर हमने कर्व लाइन लिया है. यहाँ से हमने मूव किया इसको. अभी इस यहाँ से हमें नीचे की साइड में लेना है. यहाँ से हम अभी हम उसकी बॉडी बनाएंगे. अभी आगे का जो लेग है वो बनाएंगे हम पहले. अभी दूसरा वाला लेग.
एकदम अभी ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जाएगी, यहाँ पर थोड़ी सी कर्व लाइन आएगी, उतने ही पोर्शन में हमें जितने पोर्शन उतने ही पोर्शन में हमें पीछे का पैर भी लेना है। बहुत ज़्यादा डिटेल हमने शो नहीं किया है, यू कैन ऑब्जर्व। अभी हम बाकी की डिटेल निकाल देंगे उसकी। यहाँ पर हमारी टेल आएगी, यहाँ पर उसका ईयर बनाएंगे हम। हमारा ज़ेब्रा रेडी है, अभी हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ज़ेब्रा के, आपने बॉडी पे देखा होगा स्ट्रिप्स होती हैं ऐसे, तो वो हम स्ट्रिप्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे।
ऐसे ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं दोनों साइड से, तो हमें वो ड्रॉ करना है। इसमें हमें कलरिंग भी स्टार्ट करना है। अभी इसका हम पूरा पूरी पिक्चर का आउटलाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा ज़ेब्रा का जो कलर होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, तो हमें यहाँ पर वाइट कलर करना है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स। ईजी है एकदम, अगर आपने अंडरस्टैंड समझ गए कि किस तरह से इसको करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप ईजिली इसमें इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं। पहले आगे का पैर लेग ड्रॉ करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल हमने शो नहीं किया है।
लेग भी एकदम सिंपल वे में है, सिर्फ ये ध्यान रखना है सारे लेग बहुत ज़्यादा एक छोटा बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पीछे जाएगा वो थोड़ा हल्का सा छोटा रहेगा और आगे का जो फ्रंट का जो दिख रहा है वो बड़े होंगे और एक ही लाइन में ही दोनों एक ही लाइन में है। सारे लेग की जो ब्रेड्थ है वो एक ही जितनी है, एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड एक बहुत ज़्यादा थिन ऐसा नहीं है। पहले आपको इसकी जो बॉडी है वहाँ पर वाइट कलर करना है, उसके ड्राई करने होने के बाद आपको ब्लैक स्ट्रिप्स बनानी है उसकी बॉडी के ऊपर। तो आप वाइट पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। पहले वाइट पोस्टर कलर से आप अपनी पिक्चर को कलरिंग कर लीजिए, उसके बाद जब वो ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर ये स्ट्रिप्स ब्लैक स्केच पेन से आपको ड्रॉ करना है। फिर
अभी यहाँ पर हम ब्लैक पेंसिल कलर से इसका हेयर में करेंगे और ये हम ब्लैक पेंसिल कलर से करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर हम पेंसिल कलर से कलरिंग कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर।
ज़ेब्रा की पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है, आई विल शो यू। सो यू कैन सी, बहुत ज़्यादा एकदम फिगर, छोटा फिगर नहीं बनाना है, बॉडी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, फेस के अकॉर्डिंग बॉडी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बॉडी बहुत पतली हो जाए या बॉडी बहुत ब्रॉड हो जाए और फेस छोटा हो जाए। तो ये सब पूरा कंप्लीट पिक्चर है, जिस फेस के अकॉर्डिंग हमने बॉडी भी लिया है। फेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, बॉडी के अकॉर्डिंग है उसकी। और हमने जैसे आपको यहाँ पर बताया, ये जो लेग हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हैं एक ही लाइन है, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा बस, ये जो पीछे के वो ऊपर आएंगे और आगे के थोड़े से नीचे आएंगे, चारों एक लाइन में नहीं है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है। इसका जो मेजरमेंट है वो सबका सेम है, स्केल यूज़ नहीं किया है, आपको भी स्केल का यूज़ नहीं करना है कहीं पर भी। ये लाइन स्ट्रेट ही है लेकिन स्केल से नहीं करना है, जितना मेजरमेंट इसका है उतना ही उसका है और पीछे वालों का भी उतना है, सबका मेजरमेंट आपको सेम ही लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेजरमेंट एक लेग का बड़ा हो और एक लेग का छोटा हो, क्योंकि हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, अगर दोनों हैंड है तो उसका जो मेजरमेंट रहता है वो सेम ही रहता है, और अगर लेग का भी ऐसे ही होता है, लेग का मेजरमेंट भी सेम ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके चारों लेग में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर लिया है। तो आपको भी ऐसे ही एक ज़ेब्रा का पिक्चर ड्रॉ करना है, और पिक्चर हमें ड्रॉ करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद सेंड भी करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अगर कुछ डाउट है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं हमसे। जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, हमने ऊपर से स्टार्ट किया था यहाँ से ये, और ये यहाँ लाना है बॉडी को, फिर इसका फेस कंप्लीट करना है, उसको नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर आगे का लेग दोनों, उसके बाद पीछे के लेग, फिर टेल, और लास्ट में हमने उसका ये जो हेयर है उसके ये किए हैं। ओके क्लास, बाय बाय।